यार मॉर्निंग में आपकी तरह मेरी भी शुरुआत हुई थी ब्रश करने से। उसके बाद बेड पे आया तो सोचा चाय मिलेगी, तो मिला क्या, ये त्रांबड़ी और बीच में रखा हुआ आटा कि आटा गूंदो। तो भाई अभी गूंदना पड़ेगा, तो घर वाले पता है आपको, फिर वाइफ है चिल्लाएगी मेरे पे यार, तो गूंदते हैं क्या करें। गुगु नहीं 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 इधर मत अभी, नहीं रुक जा, नहीं तो दिखाता हूँ, रुक जा, नहीं 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 चल पीछे, अरे गूंदने दे, रुक जा तू, रुक जा 2 मिनट। तो भाई आटा गूंद, तो मेरे बनी ने बहुत तंग किया मुझे, तो आज मैंने अपने बनी को मार देना है, सच्ची में लाइव मारूंगा, देखना चाहोगे। ये रहा मेरा दुश्मन और ये रहा मेरी कन, आज मेरा बनी गया। बने तू तो गया, मार दूं, आएगा अबे, ये तो खाने आ गया, चल 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 नीचे, चल चल चल, अरे तू जाता भी नहीं है यार, जाना यार, गूंदने दे मेरे को आटा, बोलू जा, ये तो राइफल मेरे पास है, मारू क्या, मारू मारू क्या। मरने की एक्टिंग देख रहे हो, अवार्ड विनिंग एक्टिंग है ये तो। अगर पेट्स को भी मूवीज में अवार्ड मिलते ना, तो इसको पक्का ही अवार्ड मिलता कसम से। तो भाई आटा गूंदने में तो कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि घर पे हो, खाते हो, तो वाइफ की हेल्प करो यार, कोई ऐसा नहीं है, संडे एक दिन मिलता है जिस दिन आप हेल्प कर सकते हो, तो मैंने गूंद दिया है। तो अभी सोच रहा हूँ कि चपाती बना ही लेते हैं, क्योंकि वाइफ ने तो भिंडी बना दी है, तो देखते हैं आप बना के फिर खाते हैं, उसके बाद ना खाते। हमारा खाना ख़त्म, और लेकिन हमारी गुगलू का खाना अभी भी चल रहा है, चल तू खाती रहे आराम से। कुछ चीज़ें हैं बड़ी हसीन लगती हैं इसकी यार, दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट फ्यू फुटेज में। नम 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 नम। चलो यार सोने देते हैं इसको, सोचना है मुझे सोचना के लिए। भाई आप लोग यहाँ से उठ जाओ, ये बेड है मेरा, मेरा बेड है ये मेरा। अरे थोड़ा लड्डू मुझे भी करने दो। तो आज मौसम ठंडा था और चायर पकोड़े, लेकिन ये शैतानू आ गया ऊपर, मेरे को पकोड़े खाने हैं, मेरे को पकोड़े नहीं मिलेंगे, बस लड्डू मिलेगा लड्डू मिलेगा लड्डू मिलेगा, पकौड़े और लड्डू, बस लड्डू लड्डू, ये अच्छा नहीं है तेरे लिए, तेरा खाना वो बास्केट में रखा है, ठीक है तो उधर जाओ, बाय बाय टाटा। कोई बात नहीं, पकौड़े नहीं तो मेरा घास ही सही। मम भाई उसको मार वहां से, वो देख रहा है। क्या यार मैं नहीं खेल रहा। सो फ्रेंड्स चिकन डिनर तो हुआ नहीं, लेकिन डिनर का टाइम होने लगा है, तो डिनर वैसे हम 10:30 बजे के आसपास ही करते हैं, तो अभी 7:30 हो रहे हैं, तो काफ़ी टाइम बचा है हमारे पास, तो खाने की क्रेविंग हो रही है, हमने सोचा कि कुछ जोमेटो से मंगवा लेते हैं लाइट। या संडे को सभी बाहर तो जाते हैं, लेकिन हमने कहा कि चलो जोमेटो जिंदाबाद, और घर पे ही मंगवा लिया पिज़्ज़ा मोमोज, बस जाया 10 मिनट फिर उसके बाद ख़त्म। तो भाई पिज़्ज़ा तो खा लिया है, तो जो क्रेविंग थी वो तो थोड़ी कम हो गई है, तो अभी हम 10:30 बजे तक आराम से वेट कर सकते हैं। लेकिन यार एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, पिज़्ज़ा खाते समय मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैंने फिर से गेम खेलना है और चिकन डिनर करना है VGMI पे। तो यार ये चिकन डिनर का जो ये भूख है ना कि मैंने आज चिकन डिनर करना है, ये अगर मुझे हो रही है तो मैं मानता हूँ कि शायद आप लोगों को भी होती होगी, अगर आप गेम खेलते हैं तो, या कोई भी गेम खेलते हैं कि यार मुझे ये गेम जीतनी है, चाहे वो आज का टास्क है या कुछ भी है। तो यार इसमें होता क्या है कि हम अगर वो नहीं कर पाते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो हम सेकेंड अटैम्प्ट लेते हैं, थर्ड अटैम्प्ट लेते हैं, लेकिन होता क्या है उस चक्कर में हमारी रात की नींद खराब हो जाती है, पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है, मॉर्निंग में हम फिर लेट उठते हैं, और लेट उठने के नुकसान तो मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद जानते होंगे, लेकिन फायदे मैं बता सकता हूँ,
अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो ना तो आपके पास कुछ घंटे ज़्यादा होते हैं अगले दिन के लिए, शेड्यूल के लिए। अगर आप 8 बजे उठते हो और शाम को 6 बजे तक आपने कुछ काम करना है तो देख लो यार कितने घंटे हैं। लेकिन वहीं आप अगर 6 बजे उठते हो तो 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा ये कि अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो आप एनर्जेटिक फील करते हो, आपका मूड अच्छा रहता है, पूरा दिन अच्छा निकलता है आपका, ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। तो भाई सुबह कैसे जल्दी उठना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं भी लेट उठता था, अभी भी उठता हूँ, लेकिन कुछ हफ्ते पहले मैंने वो अपने पे अप्लाई किया था। मैंने भी कहीं पे किसी से सुना था कि ये मेथड अपनाओ अपनी लाइफ में तो होगा, आप जल्दी उठोगे सुबह, तो मैंने अपनाया था, वो मेथड को अडॉप्ट किया था। लेकिन वही मेथड मैं आपको चाहता, मैं चाहता हूँ कि वही मेथड मैं आपको भी सिखाऊं। अगर आप भी जल्दी उठना चाहते हैं सुबह लेकिन नहीं उठ पा रहे हैं तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि यार वो मेथड अप्लाई करने से आप डेफिनेटली उठेंगे। तो मैं उसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ये स्टेप लेने से आप मॉर्निंग में आराम से उठ सकते हो। तो भाई ये छोटी सी बात थी, तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यहाँ पे कमेंट करके मेरे को पक्का बताएं। और यहाँ पे कमेंट से ऊपर सब्सक्राइब बटन है तो प्लीज़ उसको भी दबाएं, बिकॉज हर अकाउंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं, और तब तक प्लीज़ बी हेल्दी, स्टे हेल्दी, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।